मतलब दूध बेचते हैं, मेरे पीछे रह जाती थी, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, हमेशा दिन भर खेलने इसमें टाइम चला गया। हाँ, इंटरनेट से बिजली चली जाती थी, बहुत बिजली चली जाती थी, फ्लैश ऑन करना पड़ता है मोबाइल का। हाँ, जब वीडियो देखना होता था तो मोमबत्ती चल रही थी, तो जब बहुत तेज़ बारिश होती थी तो घर में पानी पड़ता था, पानी टप होता था, मेरे कॉपी में भीग गई। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं जेई एडवांस 2023 के एक बहुत ही सफल छात्र भास्कर दास, जो कि आते हैं, गांव का नाम है रामचंद्रपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और भास्कर अभी आईआईटी बीएचयू में केमिकल इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं। 8770 इनकी ऑल इंडिया रैंक है जेई एडवांस की। और भास्कर की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही प्रेरणादायक है, सिर्फ उन छात्रों के लिए नहीं जो आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्र के लिए जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है अभी? बता नहीं सकते, कभी सोचा भी नहीं था कि आपके सामने बैठ के इंटरव्यू देंगे। सपनों की तरह, अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है मुझे यहाँ तक मैं आ गया। जब मैंने आपसे पूछा था कैसा लग रहा है, मेरा सवाल था असल में कि आईआईटी में सेलेक्ट होके कैसा लग रहा है, सिलेक्शन होके कैसा लग रहा है? सिलेक्शन होके अच्छा ही तो लगेगा ना, इतना 2-3 साल से मेहनत कर रहा हूँ। गांव पे चलते हैं, रामचंद्रपुर। तो जन्म कहाँ पे हुआ? वहाँ पे, रामचंद्रपुर। परिवार में कौन कौन है और क्या करते हैं घर वाले? पापा है, मम्मी है, बहन है, छोटी बहन, दादी माँ है, दादा गुजर चुके हैं, और मेरे पापा के बड़े भाई है, एक साथ ही रहते हैं हम सब। मेरे पापा मतलब दूध बेचते हैं। बचपन से देख रहे हो? हाँ, बचपन से। जब आपको होश आए, जब आपने होश संभाले, दुनिया समझ आई, तब से घर में गाय? हाँ, उससे भी पहले से, मेरे पापा जब छोटे थे उसी टाइम से। तो बचपन में जब आप पैदा हुए, जब आपको समझ में आया, तो घर में पिताजी दूध बेचते थे। और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई, स्कूल कौन सा था? स्कूल तो एक वहाँ पे सरकारी स्कूल में मुझे नहीं भर्ती किए थे, एक बेसरकारी स्कूल में, बहुत ही कम फीस लेता है, वहाँ पे ही मैंने पढ़ाई की थी। उसके बाद वहाँ से फोर्थ के बाद फिफ्थ से सरकारी स्कूल में। कितने बच्चे होते थे आपकी क्लास में? मतलब जितने भी बच्चे होते थे मैं लास्ट था। मतलब पढ़ाई में मैं बचपन से उतना अच्छा नहीं था, मेरे पीछे रैंक आती थी, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, दिन भर खेलने कूदने यहाँ इसमें ही टाइम चला जाता। क्या खेलते थे? क्रिकेट। क्रिकेट? हाँ, बहुत शौक था बचपन में। हाँ, अभी भी है। कहाँ खेलते थे, गांव में निकल के बाहर? नहीं, वहाँ पे ही दोस्तों के साथ मोहल्ले में। बचपन में जब आप छोटे थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास तक, घर में कौन पढ़ाता था? पापा पढ़ाते थे कभी कभी, या फिर एक दीदी, मतलब कोई ट्यूशन नहीं, टीचर की जैसे एक दीदी। फिर क्या हुआ, फिर फिफ्थ क्लास में दूसरे स्कूल में गए? हाँ, फिफ्थ क्लास में दूसरे स्कूल में गए, वहाँ पे वही गाँव में सरकारी स्कूल में। उसके बाद फिफ्थ पढ़ाई चालू, फिफ्थ में मतलब फिफ्थ उतना पढ़ते नहीं थे हम, 5, 6, 7, 8 उतना पढ़ते। ये सर लोग से ट्यूशन पढ़ने जाते थे? और पढ़ाई में तब? पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, मतलब पढ़ते थे, उतना सीरियस भी नहीं पढ़ते थे कि इतना घंटा पढ़ना होगा, नहीं, जब मन कर 2-3 घंटा जब मन किया पढ़ा तो भी खेल लें। आप लोग की खेती नहीं है? नहीं, खेत नहीं है, मतलब कुछ गार्डन जैसा है, खेत नहीं है। और बचपन से आप दो गाय देख रहे हो? बचपन में तो थे ना, बचपन से नहीं, मतलब 5 साल से दो गाय। गाय वाय के पास जाते हो आप? चाय? हाँ, मुझे बहुत, मतलब कैसे, मतलब एहसान कैसे चुका मुझे नहीं पता, उनके वजह से मैं, मतलब हमारा घर चलता है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। गंभीर बात है कब? इसलिए मैंने सोचा है, मतलब एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोलना है मुझे। और एक चीज़, मतलब इंडिया में जितना भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो तो गाय के दूध से बनते हैं ना, तो जब वो गाय, जब उसका उम्र हो जाता है तब उसको वो तो कटने के लिए चला जाता है। ये चीज़ मुझे मतलब आज तक में, मतलब जब भी सोचता हूँ ना, सो आ जाता है। गाय से बहुत प्यार है तुमको? बहुत। सिर्फ अपनी गाय से कि बाहर भी जो रहती है? नहीं, सब
सब गाय से मुझे बहुत प्यार है, मतलब इंसान से भी ज्यादा, इंसान से भी ज्यादा। हाँ, मेरे पिताजी ने भी गाय पाली थी जब मैं छोटा था, और मेरी मम्मी एक कहानी सुनाती हैं, हमारे घर में भी गैया पली थी, गैया बोलते हैं, गौरी नाम था उसका गाय का। तो उसका बछड़ा था, बछड़े का नाम बहादुर था, और मैं छोटा था, 2-2.5 साल का रहूँगा, तो बहादुर मेरे ऊपर से छलांग मार के चला गया एक दिन। हाँ, मम्मी बोल रही थी मुझे बहुत डर लग गया, क्या करेंगे, ऐसी कहानियाँ सुनी है हमने गाय की। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्लास 6-7 तक ऐसा चला, फिर क्या हुआ? फिर 8 से पढ़ने का मन लगा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। मैं 8 से पढ़ते थे, मतलब हर साल में एक रैंक मतलब अपग्रेड होता था मेरे, एक एक करके। फिर 9-10 आया, 9-10 आया, 9 में मतलब 8 के बाद 9 में बहुत पढ़ाई पढ़ना पड़ता है। 8 में क्या होता है, एक बुक में एक चैप्टर अगर 5 पेज होता है ना, तो उसमें 3 पेज सिर्फ मतलब इधर उधर की बात है, और 9th में 5 पेज तो 5 पेज ही पढ़े, मतलब अचानक से इतना पढ़ाई, इतना मतलब प्रेशर आ गया था, तो वहाँ से ही आदत बनना थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई। फिर क्या हुआ? उसके प्री बोर्ड्स के बाद से ही मैंने मतलब रात के 2-3 बजे तक पढ़ना की आदत आ गई थी, 2 महीने बहुत पढ़ा था। फिर क्या हुआ, बोर्ड में नंबर कैसे? बोर्ड्स में आए थे 90.85%। फिर आपने IIT का कब सोचा? IIT का सोचा ही नहीं था, IIT बारे में पता ही नहीं था मुझे। मेरा एक दोस्त है, उसी ने पहली बार कहा था कि ऐसा ऐसा एग्ज़ाम होता है, फिर मतलब IIT नहीं है हमारा, वहाँ पर ये सब JEE मेंस एडवांस ये सब नहीं, मतलब सुना नहीं, मतलब वहाँ पर जॉइंट बोलते हैं इसको, जॉइंट एंट्रेंस। मेरे बारे पापा कहे थे पहली बार कि तुम्हें जॉइंट बोर्ड्स में भी अच्छा करना है, 10th की 12th की बोर्ड्स में भी अच्छा करना है, फिर जॉइंट में बैठना है, तो ऐसा ऐसा करके तुझे बहुत बड़ा बनना है ऐसा। तो 10th के बाद पास आउट हो गया, 11th में आए, कुछ पता नहीं था क्या करना है, मतलब 11th में जब आए तो ये पता था कि कोई टीचर बनना है ऐसा, स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाता है वही शिक्षक बनना, लेकिन मेरे फैमिली की तो कंडीशन बहुत ही ख़राब है, जो कुछ तो करना था ना, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग का शौक बचपन से ही था। मोबाइल कब मिला? मोबाइल 10th में मई महीने में मेरे मामा ने मुझे खरीद के दिया था पढ़ने के लिए, मैंने तो तब तो बोर्ड के समय तो मतलब मोबाइल तब हाथ ही नहीं देता, मुझे चलाना नहीं आता तो क्या करूँगा, ऐसे पढ़ रहे थे फिर ऐसे। उसके बाद जब मुझे पता चला कि यूट्यूब से पढ़ा जा सकता है, फिर मैंने डॉपलर इफेक्ट टॉपिक सर्च किया था, आपकी वीडियो आई थी, वो फर्स्ट वीडियो मैंने आपकी देखी थी, मतलब क्या बोलो, मतलब फिजिक्स को प्यार हो गया था उसके बाद से, फिजिक्स में ही मेरा जेड होम्स पे ज़्यादा नंबर आया, उसके बाद ही मतलब तब बेस सीरीज लॉन्च की थी आप। फिर क्या हुआ? फिर 11th में वो हुआ, नोट्स भी बनाए थे, वो फिर रुक गया प्रिपरेशन, क्योंकि पेड तो बैच नहीं खरीद पाया, तब तो पेड आया भी नहीं था। हाँ, आ गया था उसके बाद, उसके बाद बेस सीरीज के बाद आया था लक्ष्य। हाँ, फिर तो मैंने ऐसे ही ट्यूशन गया, और यूट्यूब में फ्री में जो वन शॉट वीडियो था वो हुआ था वहाँ से, फिर 12th में यूट्यूब से पढ़ते थे आप सभी का लेक्चर, ट्यूशन जाते थे लेकिन आकर मतलब मेन फोकस होता था यूट्यूब पे, वहाँ पे पढ़ के उस मतलब 2022 में JEE दिया था, उसमें 97% आए थे। उसके बाद मैंने एडवांस की तैयारी मतलब ऐसे ही यूट्यूब से ही की थी 22 में, जब आप 12th में थे यहाँ पर। अच्छा, फिर एडवांस में रैंक आया था उस समय 19,000 आई थी। अच्छी रैंक है, बहुत अच्छी रैंक है 19,000 पे। फिर मतलब IIT तो नहीं मिला 19,000 पे, मतलब सोचे भी नहीं थे IIT जाने, मतलब हिम्मत नहीं थी, सोचने की हिम्मत भी नहीं थी कि IIT में पढ़ेंगे। मतलब मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना, मेरे मूल मोटी मतलब फोकस थे कि WBJEE में कैसे भी करके लगा, उधर WBJEE का ही रहता है, ऐसे ही सोचते थे। मतलब जब पढ़ाई स्टार्ट किया उसके बाद समझ में आने लगा WBJEE से JEE मेन में शिफ्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे JEE एडवांस के ऊपर फोकस शिफ्ट हो गया, उसके बाद मतलब ये तय कर लिए थे कि IIT ही जाना है। उसके बाद मैंने पेड बैच के लिए खरीदी थी, पापा को बोला था
की तरह से भी पैसा जुगाड़ करके दिया। इंटरनेट सही था वहाँ पे? हाँ इंटरनेट सही था, बिजली चली जाती थी बहुत। बिजली चली जाती थी? फ्लैश ऑन करके पढ़ते थे मोबाइल का। हाँ फ्लैश, मतलब जब वीडियो देखना होता था तब मोमबत्ती जला लेते थे। लाइव क्लास देखते थे? नहीं रिकॉर्डेड्स। क्यों? लाइव क्लास में डिस्ट्रैक्शन होता है बहुत, और बहुत स्लो स्लो पढ़ाते हैं सर सब धीरे धीरे करके। मैं तो 1.5x में देखते थे, जल्दी जल्दी करना था ना 11th 12th। आमतौर में ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग सोचते हैं आराम आराम से पढ़ाएं, पर जब भी मैं किसी छात्र से बात करता हूँ तो सभी छात्र बताते हैं, भले ही वो IIT की तैयारी कर रहे हो, नीट की या SSC की या बैंकिंग की, किसी भी चीज़ की, तो बताते हैं कि हम तो 1.5x में 2x में देखते हैं तेज़ी से बढ़ा के एकदम। टेस्ट के बारे में बताओ, टेस्ट सारे देते थे क्या बैच के? टेस्ट सारे देते थे। तैयारी के बारे में बताओ, कैसे पढ़ते थे, अपनी दिनचर्या बताओ ड्रॉप ईयर की, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह से लेकर शाम तक ही पढ़ते थे सब। सुबह उठ के वीडियो देखते थे, नोट्स बनाते थे, मतलब दो तीन तीन लेक्चर तो करना ही था दिन में। उसके बाद नोट्स बनाने रहते थे, लेक्चर देखते, उसके बाद रिवीजन करते थे, DP भी सॉल्व करते थे, कुछ कुछ छूट जाता था और PIQ करते थे। हिंदी बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है ना आपको? होती है, मतलब मदर टंग बंगाली है ना, इसलिए कठिनाई होती है। फिर कब लग रहा था कि IIT में सेलेक्ट हो जाऊँगा इस बार? लगा नहीं, मतलब एग्ज़ाम दे के आया, मतलब लगा नहीं इतना, मतलब 131 आया है, इतना कभी नहीं एक्सपेक्ट किया, मैंने सोचा था 80 आया। मतलब जब मैं रिजल्ट चेक कर रहा था, मतलब कोई उम्मीद ही नहीं थी, उदास मन से रिजल्ट चेक किया था, उसके बाद जो देखा वो। फिर एडवांस के लिए क्या देख रहे थे, कोई अलग से? नहीं, उसके अंदर ही बैच था। कौन सा? प्रहार बैच नाम से। गाँव में कैसा सबको लगा IIT में सेलेक्ट होने पर? मतलब उतना, मतलब कुछ कुछ लोगों की पता है IIT के बारे में, ITI समझते हैं, ITI और पॉलिटेक्निक ही चलता है वहाँ पर। घर वाले कैसा महसूस कर रहे हैं, उनको तो पता होगा ना IIT के? मेरे पापा को पता है, मम्मी के कोई आइडिया नहीं क्या होता है। मम्मी को क्या पता है कि बहुत अच्छा कॉलेज में हो गया? हाँ हाँ, मतलब सब खुश तो हो गए बस। BHU गए एक बार अभी तक? नहीं, मतलब मैं पहली बार एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा ना हूँ अभी। अभी 3 साल में घर से कभी नहीं निकले, कहीं नहीं निकले। मैं तो अभी बता तो रहा था राजधानी पहली बार बैठा, खाने को मिल रहा था, मैंने कहा ये कैसी ट्रेन है, खाने को मिलता है इसमें? अब वहाँ यहाँ से वापस घर जाओगे फिर वाराणसी? वाराणसी बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर शहर है। होगा सिंध, देखा नहीं तो। बहुत ही सुंदर शहर है और ITBHU बहुत सुंदर है। मेरे काफ़ी मित्र ITBHU में पढ़े, कुछ छात्र भी पढ़े, आना जाना होता रहा मेरा हमेशा। बहुत ही सुंदर कैंपस है ITBHU का, वो माहौल बहुत अच्छा है वहाँ का। और वाराणसी तो अपने आप में इतने घाट हैं, इतनी सुंदर जगह है। घर से दूर रहने का डर तो नहीं लग रहा है? थोड़ा थोड़ा पहले पहले डर नहीं लगता, मतलब दिल से बुरा लगता है कि छोड़ के जा रहे हैं। वही स्कूल वाला हाल होगा, अभी शुरू में खराब लग रहा है, बाद में बहुत मजा आएगा कॉलेज में अंदर। क्या होगा क्या पता कॉलेज में। कल सो के आए हो कि नहीं? बीच बीच में तो मतलब नींद हो ही नहीं, जैसे पहली बार ट्रेन में चपा और आपसे मिलने की एक्साइटमेंट, मतलब आप नहीं होते तो क्या होता मेरा? हम नहीं होते तो कोई और होता। तुम्हारे जैसे जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने हालात खुद से बदलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहानों के पीछे छुपते हैं। दोनों तरह के बच्चे हैं दुनिया में। तुम्हारे जैसे बच्चे जो सपना देख लेते हैं ना, फिर उसके आगे कोई बहाना नहीं आने देते, अपने सपने पूरा करके रहते हैं। सपना देखना तो साथ में सिखाया ना। IIT के बारे में सोचना उतना हिम्मत ही नहीं था, IIT में पढ़ना तो छोड़। क्या चीज़ है जो हम लोग सही करें अपने ऑनलाइन में, जो तुम्हें लगा कि तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए परेशानी है, कि क्या मतलब कुछ भी बताओ कहाँ हम इम्प्रूव करें? मैं हर बच्चों से पूछता हूँ कई बार। इम्प्रूव? हाँ, क्या इम्प्रूव करें हम लोग अपने ऑनलाइन बैच के अंदर? हर साल इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है भाई। ये सर मतलब जो भी सर जैसे भी पढ़ता है ना, तो कंटेंट में तो कोई कमी नहीं, जो बच्चा पढ़ेगा तो उसको सिलेक्ट होना ही है। मतलब मेरे जैसे बच्चे को फिनंशियल प्रॉब्लम जिसके है, उसको बैच खरीदने में दिक्कत हो सकती है, या कॉपी खरीदने में, कोई और बुक्स खरीदने में, मतलब 3-4 हज़ार रुपया ना हमारे लिए बहुत ही बड़ा होता है। मतलब घर में अगर एक हफ्ता पहले से बोल के रखेंगे तो एक हफ्ता बाद में ही वो 3-4 हज़ार जुगाड़ हो पाएगा, तो कुछ भी खरीद लेंगे, बुक्स या हो अभी। मिठाई है क्या बच्चे के लिए? मिठाई खिलाया जाए भाई, सेलेक्ट होके आया बच्चा अपना,
क्या बनना चाहते हो जीवन में? इंजीनियर तो बनना चाहते हैं, उसके बाद मेरा जो एम है एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोलना। एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोलना, और पैसा कहाँ से आएगा उसको? सोचेंगे उसमें काम करेंगे। एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोलना तो हाँ हो सकता है, पर पैसे कैसे कमाओगे उसके लिए? सोचना पड़ेगा। मतलब मेरा एक बहुत परम मित्र कॉलेज का, जानवरों से बहुत प्यार उसको। कॉलेज के बाद उसने ज्वाइन कर लिया पीटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। विश्व स्तर की एक संस्था है जो जानवरों की देखरेख पे रहती है। कुछ 18-20 हज़ार रुपए उसको मिलते थे। बहुत ही प्रतिभाशाली दोस्त, और उसने किया वो काम काफ़ी लंबे समय तक। अंत में उसने ये संस्था छोड़ी, पैसे की वजह से नहीं, कुछ ऐसा हुआ जानवरों के साथ, कुछ ऐसा था जो उसको नहीं लगा कि होना चाहिए, तो उसने छोड़ दिया फिर वो संस्था। आज उसके घर पे मैं जाता हूँ तो 3 कुत्ते हैं, 2 बिल्लियाँ हैं, और एक कुत्ता एक आँख से अंधा है, बिल्ली बहरी है, एक बिल्ली किडनी ख़राब है। तो उसने अपने घर पे ही एनिमल रेस्क्यू सेंटर पूरा बना रखा है, और उसके घर में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं कि इन लोग क्या कर रहे हैं, जानवर कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। और इन सब के लिए वो अलग से नौकरी करता है कि पैसे कमाएंगे और इन सब का ध्यान रखें। बाकी मुझसे भी जब होता है तो उनके लिए हम भी करते हैं। अभी बीच में उसका 2 साल पहले एक बिल्ला खो गया था, भाग गया था, तो मैंने YouTube वीडियो पे आके बोला था कि एक मेरे दोस्त का बिल्ला खो गया है, किसी को मिले तो उसके इस तरह की स्ट्रिप्स हैं और इस मोहल्ले में खो जाए। उसको बड़ा प्यार है जानवरों से। बताइयो कैसी है मिठाई? बढ़िया एकदम, बढ़िया एकदम। भास्कर की कहानी हम सबको मोटिवेट करती है कि हम जीवन में आने वाली बाधाओं से ना घबराएं, उनसे लड़ें और अपने असली सपने की तरफ बढ़ते चलें। ऐसी एक और कहानी लेके आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।